नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अमी दक्षिणी और मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मेरी क्लिनिक थिंक स्किन क्लिनिक बैंगलोर में प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने मेरा MD JJ हॉस्पिटल मुंबई से किया है। मेरा बेसिक गोल है कि मैं स्किन केयर को सिंप्लीफाई करूँ आप सबके लिए। प्लीज़ मेरे वीडियोस फॉलो कीजिएगा और आपको जो भी क्वेश्चंस हो बेझिझक आप लिखिए एंड आई विल बी हियर टू आंसर ऑल ऑफ देम। सो ये एंटी एजिंग विटामिंस क्या है और क्या ये ज़रूरी है कि हम इसे यूज़ करें? बट बिफोर हम इसके डेप्थ में जाए, लेट अस अंडरस्टैंड कि जब हम पैदा होते हैं तभी से एजिंग ऑफ स्किन स्टार्ट हो जाती है। नाउ ये क्यों है और ये क्या है? फर्स्ट इज सन एक्सपोजर। जैसे ही बॉडी एक्सपोज होता है सन को, आवर स्किन यू नो लेयर्स स्टार्ट डिग्रेडिंग। सेकेंड इज जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, उस सब का असर हमारे स्किन पे होता है एंड दैट्स वाई इट स्टार्ट एजिंग। एंड थर्ड इज जो हम अप्लाई करते हैं। ना अगर हम देखें तो अर्लियर एजेस में बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते थे जो हम अभी यूज़ नहीं करते। ये क्यों? क्योंकि हमारे पास अब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में अगर हम यूज़ करें दे विल गिव अस बेटर बेनिफिट्स दैन अ होम केयर रिजीम लाइक अप्लाइंग कर्ड या बेसन या टर्मरिक। ये विटामिन्स कौन से हैं? रिमेंबर 5 इंपॉर्टेंट विटामिन्स। मैं स्टार्ट करती हूँ विटामिन ई से। विटामिन ई इज़ अ वंडरफुल बट हम्बल विटामिन जो ज़्यादा शोर शराबा में नहीं यू नो फॉलो करता, बट इट ऑलवेज हेल्प्स एंड हाइड्रेट्स योर स्किन। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, एक एंटी ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड इज हाइड्रेशन। इससे हम एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड स्कार्स एंड स्किन को हील कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मैंने विटामिन ई के बारे में इन डिटेल बोला है, आप इस पर इसे देख सकते हैं। सेकेंड इज विटामिन सी। यस, विटामिन सी हम पहले जनरली यूज़ करते थे कोल्ड कॉफ और वायरल इन्फेक्शंस में, बट विटामिन सी इज़ अ वंडरफुल एंटी एजिंग एड ऑन इन आवर स्किन केयर रूटीन। अब ये क्या करता है? विटामिन सी फर्स्ट चीज़ करता है सन डैमेज प्रिवेंट। सो जो अल्ट्रावायलेट लाइट स्किन को डैमेज करते हैं उसे वो प्रिवेंट करता है। सो इट प्रिवेंट्स डिग्रेडेशन ऑफ कॉलेजन एंड देयरफॉर प्रिवेंट्स फाइन लाइंस, रिंकल्स एंड एजिंग। सेकेंड थिंग दैट विटामिन सी डज इज इट ऑल्सो वर्क्स एज एन एंटी ऑक्सीडेंट। सो जैसे विटामिन ई एंटी ऑक्सीडेंट है, विटामिन सी टू, और अगर आपके क्रीम में दोनों है विटामिन सी एंड ई, इट गिव्स यू ड्यूअल बेनिफिट। रिमेंबर थर्ड है विटामिन के। यस, इसके बारे में जनरली आपको किसी ने नहीं बताया होगा, पर अगर आपके अंडर आई क्रीम्स आप अगर देखें बहुत सारों में विटामिन के ज़रूर होगा। विटामिन के बहुत ज़रूरी है ब्लड वेसल की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर विटामिन के डेफिशिएंट हो जाए तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो एकदम सॉफ्ट और लूज हो जाते हैं एंड ब्लड कैन कम आउट, और वो ब्लड कैन देन गेट कलेक्टेड अंडर द आई एंड वहाँ पे इट कैन लीड टू पिगमेंटेशन एंड डिस्कलरेशन। सो अगर हम विटामिन के जनरली यहाँ यूज़ करें तो द ब्लड वेसल्स आर मच स्ट्रॉन्गर और ये जो ब्लड बाहर निकल के जो क्लॉट होता है जिससे पिगमेंटेशन होती है वो प्रिवेंट होती है। द फोर्थ जो आई एम श्योर आप सब बहुत यूज़ कर रहे हैं पर आपको पता नहीं है कि ये एक विटामिन है, दैट इज़ कॉल्ड नायसिनमाइड और नायसिन। ये विटामिन B3 है and this is a wonder vitamin because it works at two levels, it's a balancer। ye skin ko hydrate karta hai, protect karta hai, improves the skin barrier function, but it also helps in exfoliation। jaise ki skin jab irregular ho gayi hai, skin tone, color, texture, it helps in removing or shedding the dead cells, aur jab dead cells nikal jate hai the skin that grows, the new skin that grows ekdam level होती है। तो यहाँ अनइवन स्किन टोन जो है, पिगमेंटेशन है, इसे सबको विटामिन B3 और नायसिनमाइड कम करता है। एंड लास्ट जो मोस्ट पॉपुलर है और जो सब आप सबको पता होगा वो है विटामिन ए। बट एक चीज़ आपको नहीं पता होगी विटामिन ए में इज़ दैट विटामिन ए इन OTC जो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और जो डॉक्टर या प्रिस्क्रिप्टिव प्रोडक्ट्स देते हैं वो दोनों अलग हैं। जो प्रिस्क्रिप्टिव प्रोडक्ट्स हैं वी यूज़ मच स्ट्रॉन्गर रेटिनॉल्स और विटामिन ए लाइक ट्रेटिनॉइन और रेटिनॉल इन अ हायर परसेंटेज। इसे हम प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि एक्ने है या डीप लाइंस एंड रिंकल्स हैं। बट द ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हैं उसमें रेटिनॉल, रेटिनाल या रेटिनाल्डिहाइड जनरली रहता है। और हाउ डज दिस वर्क? ये 3 थिंग्स करता है।
वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट एजिंग. वन इज सन प्रोटेक्शन, तो सन डैमेज को प्रिवेंट एंड क्योर करता है. सेकेंड, स्टिमुलेट्स कॉलेजन टू प्रोड्यूस मोर कॉलेजन, और जब वी हैव बेटर कॉलेजन स्किन इज सॉफ्टर, लाइन्स एंड रिंकल्स कम होते हैं. एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट हेल्प्स इन एक्सफोलिएशन. सो जब स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है एंड न्यू स्किन कम्स आउट, इट इज मच हेल्थियर एंड इवन. सो दीज फाइव विटामिन्स आप चेक करें आपके क्रीम में कौन सा विटामिन है और कौन सा आपको ऐड करना चाहिए. आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो विटामिन्स के बारे में, प्लीज़ राइट टू मी, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक. और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, प्लीज़ यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम.